हाँ साथियों, गायक बाहुबली ज्ञानी यादव एंड पार्टी प्रस्तुत करते हैं आज जो छत्तीसगढ़ सुकमा में जो नक्सलवादी हमला हुआ, हमारे देश के जवान शहीद हो गए, एक दुख भरी वेदना आप लोगों के बीच में मैं भेज रहा हूँ। कहना है कवि का क्या, सहम गई मौत भी ऐसी बलिदान से, गोरी आंचल बनी रंग भूमि मौत साला, ना तोरन द्वार अंकित शिला लेख हो, काला चेहरा तेरा ए बुरी नजर वाला, लांग गोले बारूदो की बवछार हो, ईट के बदले पत्थर के नारे यहाँ, क्रोध प्रतिशोध में दर्द ही दर्द है, जीत दुश्मन से अपनों से हारे यहाँ। कवि जी भाव लिखते हैं, क्रोध प्रतिशोध हमें दर्द ही दर्द है, जीत दुश्मन से अपनों से हारे यहाँ। अगर हम दुश्मनों से जीतने जा रहे हैं तो जब भी हारे, जहां भी हारे हैं तो हम अपनों से ही हारे हैं। और ये बिरहा मैं आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ इंडियन म्यूजिक संसार चैनल के माध्यम से जात बा। डायरेक्टर हमारे बड़े भैया सीपी विश्वकर्मा जी, रिकॉर्डिस्ट हमारे छोटे भाई शोभित बाबू। और ये बिरहा एक ऐसी लकीर है जो इंसान को इंसान से अलग करती है। ओ लकीर, दिन प्रतिदिन खाई बनती जा रही है, आज इंसान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका श्रेय आज सोशल मीडिया को जाता है। जो लोग टीवी पर चैनल पर देखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं, जिसका नतीजा हमारे और आपके सामने है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली है, कैसे मास्टर, कोई आशिक अपने मासुका से कह रहा है कि तेरा दीवाना केवल मैं नहीं हूँ, अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तेरे खूबसूरती का दीवाना ये जमाना हो गया है। कहता है क्या, अरे लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने कर, लाखों है दीवाने, क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी ये कोई ना जाने, लाखों है दीवाने कर, लाखों है, अरे दीवाने, लेकिन उन जवानों के प्रति कवि जी भाव लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, अरे वीर रन, अरे वीर रन धीरन के कायर का डाटी,
दिया धीरा न कचाया रखा डाटी हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत होती ध्यान देव रहुआ सब इस बिरहा के माध्यम से उन जवानों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस गीत को मैं आपके बीच संदेश के रूप में जगाने के लिए भेज रहा हूं कि आज हमारा देश की हालात क्या है और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायल जवानों को स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कहानी के करबा कैसन बा अयोध्या सरजू तट मुहल्ला रानो पाली में अयोध्या सरजू तट मुहल्ला रानो पाली में खिले थे तीन चमन चहकती कोयल डाली पे मुरारी राम विलास राजकुमार भाई जो परिवारों का परिचय है मुरारी राम विलास राजकुमार भाई जो बहन एक छोटी घर में है अभागन माई जो रहे न पिता कैंसर की मरीज माई है रहे न पिता कैंसर की मरीज माई है चलता परिवार चरम सीमा पे महंगाई है बेटा शिवम हिमांशु दो नैनो के तारे हैं बेटा शिवम हिमांशु दो नैनो के तारे हैं ज्वाइंट फैमिली ज्ञानमती संग सवारे हैं। योनी बिरहा के कहानी रहुआ सबे समझ ली अयोध्या जहां की राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतरित हुए थे वही अयोध्या के रहने वाले पिता का नाम सूरजलाल यादव बताया गया जो पहले आज से 10 वर्ष पहले इस दुनिया को छोड़कर चल बसे लेकिन उनके गोद में 3 संतान और 1 बिटिया कुल 4 संतान हुवन लेकिन बड़ा लड़का जो राजकुमार यादव पढ़ाई लिखाई करत हुआ धीरे धीरे समय बीतत बा जब इंटर पास कैला हा नौकरी खातिर तलाश करे लगन कि कहीं नौकरी चकरी लग जाई जिंदगी के परवरिश होखे लगी आज समय बीतत बा आज सन 1995 में राजकुमार यादव के CRPF के बटालियन कोबरा कमांडो में सिपाही पद पर भर्ती हो गईलन आज जब सिपाही पद पर भर्ती हो गईलन धीरे धीरे समय बीतत बा नौकरी भी करत हुवन शादी ब्याह भी हो गई आज जब शादी ब्याह भइल पत्नी का नाम ज्ञानमती देवी बतावल गई भगवान धीरे धीरे जब समय बीतल बा दुई ठे संतान देले हुवन बड़का लड़का के नाम शिवम और छोटा लड़का के नाम हिमांशु बा शिवम मैट्रिक क्लास का विद्यार्थी है और हिमांशु छठवां सतवां क्लास का विद्यार्थी है दोनों भाई पढ़ाई करत हुवन यह राजकुमार यादव CRPF में नौकरी करत हुवन परिवार के परवरिश होत लेकिन कभी लिखते हैं कि जो हमारे देश के जवान हैं चाहे वो CRPF का जवान हो या BSF का जवान हो या आर्मी का जवान हो देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं इस वतन के लिए इस तिरंगे झंडे की मान और सम्मान के लिए उन जवानों के लिए कभी एक लाइन इशारा करते हैं बिरहा में बड़ी रंगीन तरज बा जवन की आजकल मार्केट में तहलका मचौले बा का तरज के लाइन बा
दुल्हा तरत के लाइन बाय दुल्हा अपन दुल्हन से पूछत या सुहाग रात है दुल्हिया से पूछता दुल्हवा नैहर में ये बारी कुछ कैले रहू की ना यार के प्यार के मोहर लगवैले रहू की ना पियावा के कसम सच बोल रानी पियावा के कसम सच बोल रानी सब दुल्हिया कहतिया अपने दुल्हवा से कि हम कुंवारे में गलती त कैले बानी हम कुंवारे में गलती त कैले बानी बाकी एक बेरी गंगा नहैले बानी बाकी एक बेरी अरे गंगा नहा लेली हा धून तरज अपने जगह पर कहानी के भाव स्थल अपने जगह पर आज जो हमारा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं देश की सुरक्षा के लिए ड्यूटी दे रहे हैं चाहे बॉर्डर हो या अपने देश के अंदर चारों तरफ तैनात हैं उन जवानों के लिए कहा गया क्या खड़े हैं पर्वत राज पखारे चरण के गंगा पखारे चरण के गंगा सागर की लहरें झूमे फहरे जब गगन तिरंगा बेध दुश्मन के सीना के उठा नदी के बा बेध दुश्मन के सीना के उफानत के बा लाल मजदूर गरीबन किसानन के बा लाल मजदूर गरीबन किसानन के बा सतन मन ई न मंदिर अरे जवानन के बा वीर जवानन के बा सतन मन ई न मंदिर जा यही जवानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है लेकिन कहानी के शुरुआत पर ड्यूटी करत हूँ राजकुमार यादव धीरे धीरे समय भी बीतत बा छत्तीसगढ़ के सुकमा में ड्यूटी चलत बा छत्तीसगढ़ में और जब ड्यूटी चलत बा खुफिया विभाग से पता चला है कि सुकमा के घाटी में कुछ नक्सलवादी घटना को अंजाम देने वाले हैं जब पता चला है लोग ऑपरेशन के लिए चल पड़े और जब ऑपरेशन के लिए चले हैं तो हुआ क्या अरे मिला है सूचना बीच बिपिन में कर नक्सली बात विचार अरे तुरंत बटालियन चल पड़ी ले ले कर अपनी हथियार सीआरपीएफ का बटालियन चल पड़ी बाबू ऑपरेशन करने के लिए लेकिन हमारे छोटे भाई कवि विकास जी ने एक लाइन लिखा था जिस विरहा को मैंने पहले गाया था सरहद के शेरों को श्रद्धांजलि एक लाइन उन्होंने लिखा था जवानों के लिए जन्म भूमि जननी चंगुल से तोड़ चला है नाता भारत का भाग्य विधाता भारत का भाग्य विधाता लेकिन चले हैं सीआरपीएफ के जवान और उसमें राजकुमार यादव भी हैं सन 2015 में उनकी प्रमोशन हुई हेड कांस्टेबल के रूप में और जब हेड कांस्टेबल बन गई लन ऑपरेशन करे जात हुआ लेकिन नक्सलवादियों को चुनौती दे रहे हैं जब चलल हुआ तो समय नतीजा निकल का तरज बा का तरज के लाइन बा मास्टर लाइन बा लेकिन तरज से निक हमरे विरहा के लाइन दिहल गई सीआरपीएफ की बटालियन जा रही है ऑपरेशन करने के लिए तब तक हुआ क्या अरे बीच बिपिन में चले हनाहर लेकर के टोली ले
चबिकिन में चले हनाहर लेकर के टोली तखेले देश के धीर जवनवा आज खूनों की होली खेले देश के धीर जवनवा आज खूनों की होली ऑपरेशन के लिए सुकमा की घाटी में चल दिए और जब चले तो इधर नक्सलवादी तो अपना प्लानिंग पहले से ही बना चुके थे उन लोगों को पता चल गया। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब हमारे हिंदुस्तान के जवान किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए चलते हैं तो चाहे नक्सलवादी हो या आतंकवादी हो उन लोगों को पता कैसे चल जाता है आखिर बताता कौन है गद्दार कौन है जो हमारे जवानों के साथ गद्दारी करते हैं। घात लगा के बैठल रहल बेईमान हो प्लानिंग से पहले कैसे गईले सब जान हो खून से रंग गई सीला बोले जय हिंद बोली गई सीला बोले जय हिंद बोले अरे खून से रंग गई सीला बोले जय हिंद बोली तखेले देश कबीर जवनवा आज खूनों की होली खेले देश कबीर जवनवा आज खूनों की जा ही रहे थे हमारे सीआरपीएफ के नौजवान तब तक नक्सलवादी घात लगा कर बैठे थे बाबू फायरिंग शुरू कर दिए और जब फायरिंग शुरू कर दिए इधर से सीआरपीएफ के बटालियन भी अपने अपने हथियार लेकर फायरिंग को शुरू कर दिए दोनों तरफ से मुठभेड़ हो गई और जब मुठभेड़ हुआ तो अंजाम निकला क्या तेरी में भाव कभी जी दिलन है अरे मौत की नई परिभाषा मिली गई अरे मोरे राम मौत की नई परिभाषा अरे मौत की नई परिभाषा मिल गई अरे हंसते हंसते सो गए छोड़ जीवन की आशा 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 तड़प रहे जो बीच विपिन में अरे तड़प रहे जो बीच विपिन में दर्दों का कोई अंदाज नहीं अरे गोली की होती बारिश में कोई सुन रहा आवाज नहीं पानी की जिसको प्यास लगी अरे पानी की जिसको प्यास लगी यो लगा बुझाने खूनों में अरे बेधि कई सीनों को गोली फिर भी लड़े जुनूनों में दोनों तरफ से मुठभेड़ चालू हो गई बाबू अंजाम निकला कि हमारे सीआरपीएफ के कई नौजवान मारे गए कुछ नक्सलवादी भी मारे गए लेकिन जब मारे गए एक खबर चारों तरफ फैल गई सीआरपीएफ के और बटालियन को पता चली है और जब पता चल गई बाबू हमारे बटालियन उस सुकमा के घाटी में पहुंचते हैं तो देखते क्या है तरज बा का तरज के लाइन है वो है तरज है कि प्रभु आप बसे वृंदावन में लेकिन तरज से निक हमरे बिरहा का लाइन बन नजारा कैसन बा बीरो से नजर ओ मिला न सके जब तक ले प्राण रहा तन में
तने मृत तन को चले अब लूट लिए हथियारों को, अब लूट लिए हथियारों को, आ गए कमीने निचापन में, अब लूट लिए आ गए कमीने अरे निचापन में। जब बटालियन पहुंच ही रही थी दूसरी बटालियन, तब तक नक्सलवादी थे हमारे सीआरपीएफ बटालियन का जो हथियार था लेकर भाग गए। इतना ही नहीं, 20 नौजवान को भी लेकर भाग गए। मरने के बाद लाश को छिपा दिए उस जंगल में। लेकिन हेलीकॉप्टर के द्वारा जब दूसरी बटालियन गई है बाबू, पूरे जंगल में छान करके 10 नक्सलवादियों को मार गिराए हमारे देश के नौजवान, और 20 जो हमारे शहीद हुए थे नौजवान उनकी अर्थी को लेकर अपने कैंप में आए। कुल 23 जवान शहीद हो गए सीआरपीएफ के। हर जवानों के घर फोन लगाया गया, लेकिन जब राजकुमार यादव के घर फोन लगाया गया, बड़ा बेटा शिवम फोन को उठाया है, बोला कि कौन बोल रहे हो? बोला शिवम कि मैं शिवम कुमार बोल रहा हूँ, तुम किसके बेटे हो? बोला कि मैं राजकुमार यादव का बेटा हूँ। तो बेटा ऐसा है कि तुम किसी घर के दूसरे परिवार से बात कराओ। शिवम अपने आजी से, अपने दादी से बात कराने के लिए फोन लेकर चला गया। जब फोन पर बुढ़िया माँ बोल रही है, बोला कि माँ कौन बोल रही हो तुम? ओ बुढ़िया बोल पड़ी कि मैं राजकुमार यादव की माँ बोल रही हूँ। आंखों में आंसू भर गए उस फौजी नौजवान के। बोला कि माँ आज इस दुनिया में तेरा बेटा राजकुमार नहीं है, आज इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। जब इतनी बात माँ सुनी है बाबू, आंखों से आंसू छलक गए, रोने लगती है फोन पर, और रो करके एक बात कह ली ना, का कह ले बे? यही रोवत बे माई सुमित्रा अब कहत बे कि अरे रोवेली माई बिलखाई कैसे होई नैया मोर पार, अरे रोवेली माई बिलखाई कैसे होई नैया मोर पार, बिलखाई कैसे होई नैया मोर पार, बिलखाई कैसे होई नैया मोर पार, रोवेली माई बिलखाई कैसे होई नैया मोर पार, कहवा चली गई ला कहवा चली गई ला कहवा चली गई ला ले के मामा ता हो उधार, कहवा चली गई ला कहवा चली गई ला कहवा चली गई ला ले के मामा ता हो उधार, माँ सुमित्रा कैंसर के मरीज भी है, वही राजकुमार यादव इलाज करावत रह, जेकरे इलाज होइला के चलते माई जियत भी बे, लेकिन माई रोवत बे फुट छुट के आज ओकर दुनिया में बेटा ना बा, रोवत बे कहत बे का अरे निकलत रहे प्राण हमके पैसा पर जिया वाला, कर्जा लेके दवाई करवाला, काहे सुत गई लाय लाला ना बिखर गईला परिवार,
ना बिखरेगा इला परिवार। काहे सुता गई लाए लाला ना बिखरेगा इला परिवार। कहवा चली गई ला, कहवा चली गई ला, कहवा चली गई ला ले के मामा ताहो उधार। कहवा चली गई ला, कहवा चली गई ला ले के मामा। आज भाई सुमित्रा फूट फूट के रोवत बे, जब रोवाई सुन ले बे, जवन पतोह बिया आ जवन बेटा शिवम बा। शिवम बेटा दौड़ते हुए जाता है अपने माँ ज्ञानमती के पास। बोल पड़ी ज्ञानमती कि बेटा क्यों रो रहे हो। अपने माँ के गले से लिपट कर बोल पड़ा शिवम की माँ, पापा इस दुनिया में नहीं है, पापा शहीद हो गए। जब पत्नी इस बात को सुनती है बाबू, छाती पीट पीट कर वही आंगन में गिर गिर कर रोने लगती है। और रो के वो बात कहते, का कह ले बे? यही कहत बे कि हमारे सैया हो, कि हमारे सैया हो, अरे कैसे होई हमारे जीवन के पार। हमारे सैया हो, हमारे जीवन के पार। ज्ञानमती रोवत बे, गांव घर के लोगन के पता चलल कि आखिर रोवत का है बे। लोगन के भीड़ इकट्ठा हो गई, पता चलल कि अरे भाई राजकुमार यादव तो शहीद हो गईलन। सुकमा में छत्तीसगढ़ में जवन पड़ेला ड्यूटी देत रहलन, नक्सलवादी से मुठभेड़ भइल, आज शहीद हो गईलन। रोवत बे कहत बे का, अरे देश के खातिर सैनिक मरल बा, अब उजड़ल मांग हमार कि हमारे सैया हो, कि हमारे सैया हो, कैसे होई हमारे जीवन के पार। हमारे सैया हो, एतने ना साहब, अरे तू ही तो एगो घर के सहारा रहला, तोहरे सहारे परिवार चलत रहे। आज तुहार छोट बहिन बिया, ओकर अभी शादी ना भइल ह, आखिर शादी बियाह कैसे हुई। रोवत बे आ कहत बे, अरे बहिन सयान आंगन में या बहिन डोली कैसे ओठे, अरे तक कहवा चल गईला हो प्राणनाथ, कहवा चल गईला हो प्राणनाथ, पूरा परिवार से रूठी की हमारे सैया हो, कि हमारे सैया हो, कवन छोड़ला जिए के आधार। हमारे सैया हो, कवन छोड़ला जिए के आधार। पूरा गांव में हल्ला मच गई कि भैया राजकुमार यादव शहीद हो गए सुकमा में। सब लोग के आवाज एक आवत बा कि बड़ा निक रहल, उनके अंदर इंसानियत रहल, आवत रहल ड्यूटी से, तो सबसे प्रेम से मिलत रहल। आज की दुनिया के छोड़ के चल दिलन, शहीद हो गईलन। लेकिन कवि जी भाव लिखते हैं अल्लाह के अंदर क्या, हाँ अरे बीर रन धीर कदम,
हाँ। अरे बीररन धीर कदम अरे पीछे ना हटावे भैया, जुग जुग तगावल जालय सगुनगा, जाड़ा गर्मी बरसाती ना रात सीमावा पर डटके, जय ना के नींद सब सुतेला हिंदुस्तान, जोगी सरकार तिहला से 50 लाख मुआवजा पंचो, मिली नौकरी जब होई है बाबुआ साया, पूरा हिंदुस्तान या जब आसुआ बहावे बाबू, पूरा हिंदुस्तान या जब आसुआ बहावे भैया, करेली धरती जब खुनो से या सना, आखिरकार इस देश के लिए तो शहीद हो गए, लेकिन बहादुर जब शहीद हो जाते हैं तो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आज राजकुमार यादव की अर्थी और उस नक्सली हमला में जितने भी नौजवान शहीद हुए उन सबों की अर्थी को तिरंगे झंडे में लपट करके ताबूत में बंद करके और उनके पैतृक गांव भेज दिया गया। आज राजकुमार यादव की लाश आई। इधर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी आदित्यनाथ की ओर से मृतक को 50-50 लाख रुपया मुआवजा के रूप में देने के लिए घोषणा किया गया और जो उनके बच्चे हैं उनको नौकरी देने का ऐलान किया गया। लेकिन क्या उस परिवार को 50 लाख रुपया देने से उसका परिवार वापस चलाएगा? जो शहीद हो गया नौजवान क्या वापस लौट कर चलाएगा? नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन क्या उस अनाथ बेटा का बाप मिल जाएगा? लेकिन आज इस नक्सली हमला से अयोध्या ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान दुखित है। लेकिन कवि जी आखिरी भाव में लिखते हैं नौजवानों के प्रति, क्या लिखते हैं? जब ललकारती रही है क्रांति बीर वर्दी पे, जब ललकारती रही है तब तक दुनिया में आजाद मोर भारत रही है। भीषण है सेना का बीच सड़क पर लावो, आम जनता के बीच उसको सूली पर चढ़ावो, अरे महासागर भी चरण के पखारत रही है तब तक दुनिया में आजाद मोर भारत रही है। आखिर सवाल उठता है कि अपने ही घर के भाई हैं लेकिन एक देश की रक्षा करता है और एक नक्सली क्यों बन जाता है, आतंकवादी क्यों बन जाता है? यही सवाल उठता है। हमारे ही भाई हैं
हमारा ही परिवार है, अपने देश की रक्षा कर रहा है, और जब अपने लोग हमारे नौजवान के साथ इस तरह से घात करेंगे तो एक तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान और दूसरे तरफ चीन मौके की तलाश कर रहा है, तो आखिर इस तरह से देश के अंदर ही घटना घटेगी तो फिर जवानों का क्या होगा। गाना के आखिरी भाव बा गुरु घराने के परिचय दिहल गई का कि जय जखाड़ गुरु जद्दू राधे ओ पी सागर गंगा श्री नारायण अरुण सरोज गगन में उड़े तिरंगा। अरे मौत की नई परिभाषा मिल गई, ए भैया मौत की नई परिभाषा मिल गई, ज्ञानी रखे पिका शरद शरण में आशा की मौत की नई परिभाषा मिल गई। भैया धनी धनी देशवा हमारा।